हेलो नमस्कार दोस्तों, आज मैं आया हुआ हूँ सरकारी अस्पताल CHC गुंदलामऊ में अपने मम्मी पापा को COVID-19 का दूसरा टीका लगवाने। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कितनी भीड़ लगी हुई है। यहाँ पर लोगों को लंबी लाइन लगाना पड़ रहा है COVID-19 का टीकाकरण लगवाने के लिए। अच्छी बात है कि लोगों को उत्साह है कि COVID-19 के लिए टीकाकरण करवाने आते हैं, जबकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों तो अफवाह की वजह से नहीं आ पा रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसी अफवाह उड़वा रहे हैं कि ये टीका लगवाने लोगों की 2-3 दिनों में मृत्यु हो जाती है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मेरे मम्मी पापा को 3 दिन हो चुके हैं टीकाकरण, दूसरा टीकाकरण लगवाए थे, लेकिन अभी तक कोई प्रकार का हानि नहीं पहुँची है, जिससे ये साबित होता है कि वैक्सीन में कोई दिक्कत नहीं है। जबकि और अब अफवाहें उड़ गई हैं कि कोविड टीकाकरण जो है ये वैक्सीन लगवाने से पुरुषों में नपुंसकता और माताओं बहनों में 5-5 की शिकायत हो जाती है। जबकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसके संबंध में सूचना जारी करते हुए बताया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, संपूर्ण सुरक्षा और जांच करके तब ये वैक्सीन लोगों को दी जा रही है। इस वैक्सीन में ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी को नपुंसकता की शिकायत हो जाए या फिर उनका 5-5 की शिकायत हो। इससे आप सभी लोगों को मैं तरफ से पूर्ण आश्वस्त करना चाहता हूँ कि सभी लोग COVID-19 का टीका लगवाएं, जिससे कि आप कोरोना महामारी से बच सकें और आपका परिवार और आप प्लस की तस्वीर है शुरू होने वाली है, जिससे लोगों को बहुत संकट का सामना करना पड़ सकता है। सरकार कोविड को लेकर बहुत ही गंभीर रूप से सजग है, जिससे कि सरकार जिससे सरकार का काफ़ी नुकसान हो रहा है। आप अपनी तरफ से और सरकार की तरफ से आप सभी COVID-19 का टीका जरूर लगवाएं, जिससे कि आप और आपका परिवार सुरक्षित रह सके। इसी के संबंध ये मैंने वीडियो बनाई, जबकि कई लोग के सभी को मन रिकॉर्ड करना आप सभी को इनका टिकट